अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एप्लीकेशंस एंड मेनी मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक है वो है अमोनिया स्टोरेज, अमोनिया को कैसे स्टोरेज किया रहता है। मैंने कहा था कि हम अमोनिया को स्टोर करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझें, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होंगी तो हम उसको किस टेम्परेचर पे, किस जगह पे, किस प्रेशर पे उसको स्टोर करना है वो हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हम सबसे पहले उसके यूजेस, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके जो फिज़िकल केमिकल जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब वो सारी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाके डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हमने जो हमारा कल वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया है, अमोनिया की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अमोनिया जो है वो उसकी स्मेल होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं कि उसकी जो स्मेल नहीं होती, ठीक है, मगर अमोनिया की पंच स्मेल है, ठीक है। एक गंदी स्मेल होती है अमोनिया की, ठीक है। वहाँ कहीं भी अगर लीक होगी तो हमें इसे पता चले। अब हमने इस प्रॉपर्टी से क्या सीखा, हमने इस प्रॉपर्टी से ये सीखा कि उसकी कोई स्मेल भी होती है, अगर लीक हो जाएगी तो हमें पता चल सकता है, हम उसको सूंघ के समझ सकते हैं हाँ यहाँ पे अमोनिया लीक हुई है, ठीक है। उसके बाद कैन बी स्मेल एट लो लेवल एज 1 पार्ट पर मिलियन, ये इसकी कंसंट्रेशन बता रहा है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, ठीक है। अमोनिया का हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पार्ट पर मिलियन जो है इसका यूनिट है, ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अमोनिया 1 पार्ट पर मिलियन इतने अमाउंट अमोनिया का लीक होगा, ठीक है, एयर के अंदर लीक होगा, ठीक है, तो तभी हम उसको स्मेल कर सकते हैं, ये स्मेल तब आएगी। अगर 1 पार्ट पर मिलियन से उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जो बाहर एयर में लीक हो रही है वो कम है बहुत, ठीक है, तो उसको हम स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे ये बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि सेकंड पॉइंट में ये है कि अमोनिया जो है वो लाइटर देन एयर होती है, देयर फॉर गैस गेट्स डिस्पर्स्ड ईजीली, इसलिए क्या होता है कि एयर के अंदर ईजीली डिस्पर्ड हो सकती है। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये होती है कि अमोनिया इज़ लाइटर देन एयर, एयर से अमोनिया लाइटर है। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के लेयर बने होते हैं, ठीक है, एक एयर हमारे ज़मीन पर होती है, दूसरी थोड़ी सी ऊपर होती है, तीसरी और ऊपर होती है, चौथी और ऊपर होती है। अब ये जो लेयर्स एयर के बने होते हैं, ये बने होते हैं अकॉर्डिंग टू द अमोनिया या दूसरी गैसेस की जो वेट है, जो डेंसिटी है। अब अमोनिया इज़ लाइटर देन एयर है, इसका मतलब एयर से लाइटर है, इसका मतलब है कि अमोनिया की जो डेंसिटी है वो कम है एयर से, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट के अंदर जितना मास आ रहा है वो जो है एयर का एक यूनिट के अंदर मास ज़्यादा आएगा और अमोनिया का एक यूनिट के अंदर मास जो है वो कम आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी अमोनिया है वो लाइटर है। तो जो लाइटर गैस होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, ठीक है, अगर हमारे रूम में है, ठीक है, अगर हमारा रूम है उसको हम क्लोज़ कर लें, अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी गैसेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, जिनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, हर गैस की डेंसिटी डिफरेंट है। तो वहाँ पे आप लोग ये चीज़ नोट करेंगे, जो लाइटर गैस होगी, सबसे हल्की गैस होगी, जो भी हमने मतलब तीन गैसेस छोड़ी हुई हैं, सबसे जो लाइटर गैसेस होगी वो छत से जाके टकरा के वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, और सबसे जो हैवी होगी वो ज़मीन पे होगी, और जो तीसरे नंबर पे हो वो मिडल में होगी, क्योंकि वो ना ऊपर जा सकती है ना नीचे आ सकती है, तो इसलिए क्या होगी, वो वहाँ पर जाके खड़ी हो जाएगी। ये डेंसिटी की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे रूम में आपने देखे होंगे कि हमारे जो हैं वो रोशनदान लगे होते हैं या एग्जॉस्ट फैन हम लगाते हैं वहाँ पे। हम एग्जॉस्ट फैन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे रूम जो है गर्म हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो है गर्मी पैदा हो रही है। अब गर्मी पैदा होती है हॉट एयर की वजह से, अगर हमारे रूम में जो हॉट एयर है वो ऊपर रहती है, ठीक है, ऊपर क्यों रहती है, ड्यू टू डेंसिटी, क्योंकि
हमारे रूम के अंदर एयर ही मौजूद होती है और कोई गैस नहीं है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होते हैं, तो हम उसकी जनरली अगर बात करें तो जो हमारी हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो जो है गर्म हवा, उसकी डेंसिटी हल्की होती है, वो गैस हल्की होती है, तो वो ऊपर जाके छत से टकरा जाती है। और जो हमारी जो ठंडी गैस होती है, ठीक है, ठंडी गैस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो हमारी नीचे रहती है ज़मीन, मतलब हमारे ज़मीन पर अटैच होकर रहती है, ठीक है, जो गर्म हवा है वो ऊपर छत पर रहती है। तो इसीलिए हम एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर होती है, तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, उस सिर्फ गर्म हवा को बाहर निकाल देगा और जो हमारी ठंडी हवा है वो हमारी अंदर ही रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, रूम टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। तो ये जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये चीज़ों को आप लोगों को समझना है कि जब हमारी एयर होती है, हमारा वाटर होता है, वो अपनी डेंसिटी या कोई भी चीज़ होती है, वो हमारी डेंसिटी के मुताबिक जो है अपने काम करती है, ठीक है। अगर हमारी किसी गैस की डेंसिटी कम है तो वो सबसे ऊपर रहेगी, वो ऊपर रहेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया जो है वो एयर से ऊपर है, जैसे हमारी कहीं पे भी लीकेज हो जाती है, ठीक है, अगर हम किसी कंपनी में किसी प्लांट के अंदर खड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर अमोनिया लीक हो रही है, तो वो क्या होगी, वो वहाँ पे नहीं ठहरेगी, वो ऊपर हवा में उड़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अमोनिया उड़ जाती है ऊपर, उड़ जाएगी हवा में, ठीक है, तो वो हवा के ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए ये एयर के अंदर कह रहा है डिस्पर्स जल्दी हो जाती है, मतलब फैल जल्दी जाती है, ठीक है। तो फिर जितनी जल्दी फैलेगी उतना बड़ा खतरा होता है हमारा। तो दूसरे पॉइंट से हमने ये सीखा कि ये गैस जो है वो जो फैलने की ताकत है इस गैस के पास, वो बहुत ज़्यादा है, ये जल्दी फैल जाती है हवा के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा नुकसान एरिया को दे सकती है। तो इसलिए हमें उस एरिया में इसको स्टोर करना है जिस जगह पे जो है वो जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहाँ से बहुत दूर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पर की जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी दूसरी पॉइंट के पास के अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म इज़ कलरलेस बट इट गिव्स वाइटर एक्सपेंशन क्लाउड्स वेन वेपोराइज इन एटमोसफियर। इसकी एक बार दूसरी जो इसकी एक तो प्रॉपर्टी थी इसकी जो स्मेल होती है, मगर दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी बहुत ख़राब है, वो हमारे लिए नुकसानकार है, ये नहीं होनी चाहिए थी कि इसका कलर नहीं होता। अगर इसका कलर होता तो हम इसको दूर से पहचान सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो अमोनिया लीक हो रही है, ठीक है। तो इसका कलर लेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, तो इसको हम पता नहीं लगा सकते, उसकी स्मेल से ही हमें सिर्फ पता चल जाता है, ठीक है। जैसे हमारी जो मीथेन गैस होती है, हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी मीथेन गैस आती है, तो प्योरली जो मीथेन गैस है उसकी कोई स्मेल होती नहीं है, तो उसके अंदर कोई दूसरी गैस होती है, उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐड करने की वजह से जो आप लोगों को स्मेल आ रही होती है ना, घरों में जो गैसेस होती है, मीथेन गैस होती है, उसकी जो स्मेल आ रही होती है, वो दूसरी जो गैस ऐड की जाती है, थोड़ा सा अमाउंट उसका 5% 6% ऐड की जाती है, तो उसकी हमें जब कहीं पे लीक हो तो उसकी स्मेल आनी चाहिए, क्योंकि जो मीथेन गैस होती है तो उसकी ना तो कोई स्मेल है ना तो उसका कोई कलर है, तो हमें पता नहीं चलेगा अगर कहीं पे लीक होगी तो, जब तक वो एक्सप्लोर ना कर दे, धमाका ना दे दे वहाँ पे, तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कलर तो उसका चेंज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि दूसरी गैस के 5 से 6% हमने स्मेल वाली गैस है, ठीक है, उसको ऐड कर दिया, वो हम उसकी प्रॉपर्टी देख के उसमें ऐड करेंगे कि वो मीथेन गैस को भी इफ़ेक्ट डैमेज ना करे, ठीक है। तो मीथेन गैस के अंदर हमने दूसरी गैस की जाती है, जो आपको बदबू आ रही थी ना, वो कोई दूसरी गैस की, दूसरी जो गैसेज होती है उसकी वजह से आपको स्मेल आ रही है, मीथेन की एक्चुअली मीथेन की कोई स्मेल नहीं होती। तो ये चीज़ें हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अमोनिया रेडिली डिजॉल्व इन वाटर, अमोनिया वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, ये अच्छी बात है इसकी। उसके बाद अंडर नॉर्मल एटमोसफेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर अमोनिया इज प्रेजेंट इन गैसेज फर्स्ट। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है हमारा एटमोसफेयर, उस पर जो अमोनिया गैस है वो नॉर्मली जो है वो हमारी गैसेस फॉर्म में रहती है। अगर उसको हमें लिक्विड फॉर्म में करना होता है तो उसके लिए दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर प्रेशर को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो भी एक हमारी अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो अमोनिया को हम गैसेस फॉर्म में होती है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने देखी समझी,
ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट और इसके जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जितनी भी हैं वो मैंने डिस्कस किया आपके ऊपर। अब इस प्रॉपर्टी से आपको पता चल रहा होगा कि हमें इसको स्टोर किस तरह करना है। इसकी स्मेल भी आती है, इसकी जो है वो कलरलेस भी, कलरलेस है ठीक है, कलर कोई भी नहीं होता। उसके बाद अगर हम इसको जो है वो एयर एयर में लाइटर है ठीक है, एयर से हल्की है तो एयर के अंदर जल्दी फैल जाती है, तो इसलिए हम इसको कौन सा अप्लीकेशन करना है और कहाँ पे इसको स्टोर करना है, दूर करना है, करीब करना है, किस प्लांट एरिया के साथ होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इन प्रॉपर्टी से समझ जाते हैं ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, उसकी स्टोरेज एंड मेथड को पढ़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।